हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं लोड पोर्ट 2.0 चैनल से टॉप रियल टीम कॉमेडी आमिर टीआरटी न्यू वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जावेद भाई, गधे के अंदर एक खास बात है, उससे कुछ भी पूछ लो लेकिन जवाब नहीं में ही देगा। अरे नहीं यार, मैं नहीं मानता। ऐसे कैसे नाम है जवाब देगा? चेक करा दे। हाँ कराओ। दानिश भाई, क्या तुम गधे हो? नहीं। वाह, उनको गधा साबित कर दिया। जान यार, बहुत दिमाग खराब हो रहा, बिल्कुल अकेलापन लगने लगा। दिल तो ये कर रहा है कि एक कंटेनर भर के आवे लोंडियों से और यहीं पलट जावे। 10-12 लोंडियां उठा के भाग जाऊंगा मैं तो। वाह ये क्या है भाई, साले मुठ्ठलो मुठ्ठल ही रहोगे तुम। ना यार, हो सकता पलट, साले सिंगल है। अब वो कपड़े का कंटेनर है तो पलट जाएगा। हमने यार तुम्हारी दावत करी, तुम दावत में नहीं आए यार। बिल्कुल भी गलत बात है तुम्हारी। साले एक रैप्टर इतनी खींच के मारूंगा अभी यहीं। भाड़ू 1500 लोगों की दावते करे पड़े और मुर्गा बन में 1.5 किलो। तेरे भाई का सपना कि पापा तुम अब आराम करो, घर बैठो, अब पैसा तुम्हारा लोंडा कमा। क्या बात है, सही कह रहा यार आमिर। आज चल नौकरी ढूंढने चलते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन एक मिनट यार, अभी कुछ दिन और मजे ले लो, पापा को ही कमान दो। कपड़े पहन के जाऊंगा, जरा देर में 8-10 लड़की सेट हो गई। कौन सी बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझसे 2-4 लोंडियों की बात अलग है। यहाँ से निकल साले, तुमसे कहाँ से लोंडियां सेट हो जाएंगे। हमारे दिल में एक बात आई कि यार क्यों ना हम लड़की सेट करें। तो हमने सोचा अगर गोरी लोंडिया सेट करेंगे तो उसके नखरे बहुत होंगे। अच्छा। क्यों ना काली लड़की सेट करी जाए। हमने काली लोंडिया सेट कर दी, फांस दिया यार उसने। 10 लाख रुपए लग रहे हैं केस रफे दफे होने में थाने से। बहन का भौसड़ा इसकी। बहुत सही बेटा, मतलब तुमने भी तो डिस्क्रिमिनेशन किया था, अब झेलो। कलर बायस्ड वो गए थे कि मतलब इन्हें लगता है, पता है कुछ इस टाइप के लोग होते हैं, मैं यहाँ आमिर भाई की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि गोरी लड़कियों के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। उन्हें ये दिलाओ वो दिलाओ और बहुत सारा उनका खर्चा होता है। तो एक काम करते हैं, सांवली सी लड़की कोई ढूंढ लेते हैं, सांवली और काली सी लड़की, है ना, जो दिखने में एकदम एवरेज हो और ज़्यादा नखरे ना दिखाए, ज़्यादा उसका मेकअप का खर्चा ना हो ज़्यादा ऐसा। बेटा आजकल ना, पहली बात तो बता दूँ, मेकअप कोई गोरा काला की पर्सनल चीज़ नहीं होती है ना। मेकअप सभी लोग लगाते हैं, खर्चे सभी के होते हैं। और हाँ, गोरा काला दूसरी बात, फांसने को हो तो कोई भी लड़की फांस जाएगी, कोई भी लौंडा फांस जाएगा। उसका कोई गारंटी किसी के शक्ल पे नहीं दिखा होता है कि हाँ वो मतलब धोखेबाज है या नहीं है। सो ऐसे किसी भी चक्कर में ना फंसे, ओके, और सेफ रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं पता नहीं क्यों क्राइम पेट्रोल जैसा साउंड कर रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।